हेलो एवरीवन, क्या आप भी टाइम टेबल बना बना करके थक गए हैं? लेकिन आप एक भी टाइम टेबल को 3-4 दिन से ज़्यादा फॉलो नहीं कर पाते, तो इसके पीछे क्या कारण है? क्या आप टाइम टेबल बहुत अच्छे से बनाते हैं लेकिन बस 4 दिन फिर आप वही ढर्रे पे आ जाते हैं, फिर वही सिचुएशन पे आ जाते हैं? तो आखिर ऐसा क्यों होता है, उसके पीछे का रीजन आप समझिए। आप टाइम टेबल कितना भी बना लीजिए, सुबह इतना पढ़ेंगे, ये पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे, अरे कुछ नहीं, सब बकवास है, टोटल चीज बकवास है। अगर आप उसको फॉलो नहीं करते हैं तो सब बकवास है। तो आप उस टाइम टेबल को फॉलो क्यों नहीं कर पाते हैं, इसी पॉइंट पे आज हमको बात करना है कि आखिर ऐसा होता क्यों है। आप लोग चाहते हैं कि करें हम, लेकिन नहीं होता है, तो क्या करें फिर, करें क्या? तो आज हम बताएंगे कि आपको करना क्या है। तो किसी भी चीज को करने से पहले देखिए, हर एक चीजों के पीछे रीजन होता है। आप टाइम टेबल नहीं फॉलो कर पा रहे हैं, इसके पीछे कुछ ना कुछ रीजन है, बिना रीजन का कुछ नहीं होता। तो आखिर वो रीजन है क्या? तो सबसे पहले ये देखिए, ये 4 बड़े बड़े रीजन है। सबसे फर्स्ट मोबाइल, सेकेंड टीवी, थर्ड है नॉट डिसिप्लिन्ड और फोर्थ है प्रोकास्टिनेशन। ये 4 चीजें आपको बर्बाद कर रहा है और आप उस पे कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, देखिए, आप मोबाइल जितना टाइम आप पढ़ते नहीं उससे ज्यादा आप मोबाइल चला लेते हैं, टीवी देख लेते हैं, बहुत आप इस 4 को छोड़ने के बाद आप बहुत टाइम केवल सोचने में टाइम पास कर देते हैं। आप अगर कैलकुलेट कीजिएगा अपना टाइम को, तो आप वीक एवरेज आपका 2-3 आवर भी नहीं निकलेगा स्टडी का, और मोबाइल और टीवी का एवरेज निकालिएगा तो 5-6 आवर तक निकल जाएगा कि आप उतना यूज करते हैं। तो मेन बात आता है कि करें क्या, क्या मोबाइल चलाना छोड़ दें? जी नहीं, किसी चीज को छोड़ नहीं देना, चलाना है बट लिमिट से, हर एक चीजों को बैलेंस में यूज करना है। बैलेंस में कैसे मेंटेन करें? देखिए, आप अगर मोबाइल चला रहे हैं तो आप ट्राई कीजिए, जब आपका टाइम का इम्पोर्टेंस ज़्यादा हो, मतलब कि आपका एग्ज़ाम आने वाला है, मान लीजिए 2 मंथ बाद एग्ज़ाम है, 3 मंथ बाद एग्ज़ाम है, 4 मंथ बाद एग्ज़ाम है, उस समय एटलीस्ट आपको डिसिप्लिन हो जाना चाहिए। अगर आप उस समय भी नहीं होते हैं तो आपका रिजल्ट आप पहले से गेस कर सकते हैं कि क्या होने वाला है। ठीक है, तो क्या करें? देखिए, जब आपका एग्ज़ाम आता है उसमें थोड़ा सा कंट्रोल कीजिए। ठीक है, मोबाइल को आप मतलब 30 मिनट ही इंटरटेनमेंट में दीजिए, मोबाइल यूज कीजिए बट पढ़ने में यूज कीजिए और चीजों में यूज कीजिए, लेकिन इंटरटेनमेंट में आप 30 मिनट से ज्यादा मेरे ख्याल से नहीं दीजिए। ठीक है, सेकेंड है टीवी। भाई अब देखिए, आपको थोड़ा सा बैलेंस करना है, तो जिस दिन मोबाइल चला रहे हैं उस दिन फिर टीवी नहीं देखिए, और जिस दिन टीवी देख रहे हैं उस दिन मोबाइल नहीं चलाइए, क्योंकि ये कोई खाना नहीं है। अगर आप कुछ दिन कम यूज कर लेंगे ना तो मर नहीं जाएंगे। ठीक है, इसको थोड़ा कम यूज कर लीजिए एग्जाम भर, फिर आप थोड़ा सा ज्यादा यूज कर लीजिएगा, क्योंकि ये खाना नहीं है कि आप खाना नहीं खाओगे तो कैसे जिंदा रहोगे। ये मोबाइल है, आज से 20 साल पहले मोबाइल नहीं था, लोग रहते थे ना, तो आप क्यों नहीं रह सकते हैं? ये दोनों पे आप कंट्रोल कीजिए। थर्ड है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन में रहिए। आप लोग क्या करते हैं, आपने डिसाइड कर लिया कि ठीक है कल से हम 1/2 आवर ही मोबाइल चलाएंगे, लेकिन आपका डिसिप्लिन ही नहीं है, आपने बोला था लेकिन आप करते समय नहीं किए, तो आपको डिसिप्लिन रहना है। मैंने बोल दिया तो करेंगे, मतलब आपने अगर कमिटमेंट कर लिया कि हम कल से 1/2 आवर ही मोबाइल यूज करेंगे तो 1/2 आवर ही करेंगे, फिर हमको कोई अगर आकर के जबरदस्ती भी बोले ना कि लो यूज कर लो यूज कर लो, नहीं करेंगे, क्योंकि मेरा टाइम आज का फिनिश हो गया है। ठीक है, आज का आपका टाइम फिनिश हो गया है, अब हम यूज नहीं करेंगे, नहीं मतलब नहीं, ये स्टेटमेंट हमें साथ रखिए। एक बार नहीं बोल दिए मतलब नहीं ही करेंगे, फिर कोई हमको कितना भी कुछ बोल ले नहीं करेंगे, ये एटीट्यूड रखिए अपने अंदर। ये एटीट्यूड अगर आप रखते हैं आपका डिसिप्लिन रहेंगे, कि मैंने बोला ना कि अब नहीं यूज करेंगे मतलब नहीं यूज करेंगे। अब आते हैं हम लोग ये फोर्थ चीज, जो आप लोग क्या ही बोले, सबसे ज्यादा स्टूडेंट जो है वो इसका यूज करता है, इतना इसका फायदा उठाता है, इतना फायदा उठाता है कि
क्या ही बोले इस पर, कुछ बोलने लायक नहीं है। फिर भी हम बता रहे हैं कि आप लोग इतना चीज़ों को प्रोकास्टिनेट करते हैं, इतना करते हैं कि कल कर लेंगे, सुबह कर लेंगे, शाम कर लेंगे, मंडे से करेंगे, एक तारीख से करेंगे, बर्थडे के बाद करेंगे, ऐसा ऐसा आप लोग एक्सक्यूज बनाते हैं कि क्या ही बोले इस पर। चीज़ों पे कंट्रोल कीजिए, ठीक है, चीज़ों पे कंट्रोल कीजिए। टाला जाता है, इसका यूज करना चाहिए, बट वही फिर से आ गया कि लिमिट में, बैलेंस में, कि चलो यार आज थोड़ा सा मतलब बिजी थे या फिर कुछ काम था, कभी कभी मन भी नहीं करता, उस समय आप इसको थोड़े टाइम के लिए कि चलो यार इसको आज नहीं कर पा रहे हैं, कल कर लेंगे, वो चीज़ें चलता है। लेकिन आप लोग क्या करते हो, आज से स्टार्ट करेंगे तो एग्ज़ाम तक जाएंगे, एग्ज़ाम तक लेके जाएंगे और एग्ज़ाम के लास्ट लास्ट में बस में पढ़ेंगे और फिर एग्ज़ाम में जा कर के लिखेंगे। ये चीज़ें नहीं करो यार, ठीक है। जितना आप मस्ती करते हो एटलीस्ट उतना टाइम तो पढ़ लो, अगर आप 2 घंटे मस्ती करते हो एटलीस्ट 2 घंटे तो पढ़ लो। तो ये चीज़ें ध्यान रखिए, नहीं तो ये सब चीज़ें तो आपको ऐसे ही बर्बाद कर रहा है और आने वाले समय में आपको और बर्बाद कर देगा। क्योंकि आजकल का जो गेम है और जो वीडियोज है, वो लोग जान गया है कि ऑडियंस को या फिर किसी को कैसे हम कैप्चर करके रखें, और आप लोग उसमें फंस जाते हो। गेम अच्छा अच्छा इसलिए बनाया जाता है ताकि आप उसको ज़्यादा खेलो और आप लोग उसमें फंसते हो। वीडियोज ऐसा इसलिए बनाया जाता है ताकि आप देखो उसको, ठीक है। वो आपका ये सब क्या किया है, जो भी वीडियोज बनाते हैं वो आपके ह्यूमन साइकोलॉजी को समझ गए हैं, ठीक है, कि ह्यूमन साइकोलॉजी काम कैसे करता है। इसलिए आप जनरली कोई सीरियल वगैरह देखते हैं तो वो एकदम पिक पॉइंट पे लेकर के छोड़ देते हैं ताकि आप उसको अगले दिन देखो ही देखो। तो वो चीज़ों को आप लोग उस पर एकदम फंसे जा रहे हैं, उस चीज़ से बचिए थोड़ा सा और इस पर बैलेंस लाइए। एक बैलेंस में सारे चीज़ों को कीजिए, फिर आपका टाइम टेबल भी फॉलो होगा। और कभी भी टाइम टेबल बनाते हैं तो बहुत हैवी टाइम टेबल नहीं बनाइए, फर्स्ट चीज़। सेकेंड चीज़ कि टाइम टेबल में फ्लेक्सिबल रखिए, ठीक है, ऐसा नहीं कि 5 बजे उठेंगे तो 5 ही बजे उठेंगे, वैसा नहीं है। आप ऐसा रखिए चीज़ों को कि मान लीजिए आज आपने सुबह 5 बजे उठा तो जब उठेंगे उस समय 2 घंटा पढ़ेंगे, वो चीज़ें रखिए कि 5 बजे उठे तो 6 बजे से 2 घंटा पढ़ेंगे, ठीक है। वैसे करके आप टोटल, मैंने टाइम टेबल तो बताए हैं आपको कि 2-2 आवर का आपको 4 स्लॉट 24 आवर में पूरा करना है। वो स्लॉट आप फिक्स नहीं रखिए कि सुबह उठे तो उठने के बाद कर लिए। कभी कभी आपको रात में पढ़ने का मन कर रहा है, रात आप लेट से पढ़े तो किसी दिन आप 8 बजे उठे तो 8 बजे उठे तो 9 बजे से 2 आवर पढ़ेंगे। वैसे रखिए, फ्लेक्सिबल रखिए। और किसी दिन कोई कारणवश से नहीं फॉलो होता है तो उतना टेंशन नहीं लीजिए। आप लोग क्या करते हैं कि फॉलो नहीं हुआ, अरे अब तो रूटीन फॉलो नहीं हो रहा है, बस छोड़ दिए, वो चीज़ें नहीं करना है। तो आशा करते हैं कि अब जो आप रूटीन बनाएंगे उसको फॉलो करेंगे और ये सब चीज़ों पे थोड़ा सा माइंड करेंगे, क्योंकि टाइम टेबल बनाना इम्पोर्टेंट नहीं है, उसको फॉलो करना सबसे बड़ा इम्पोर्टेंस है। तो आशा करते हैं ये चीज़ें आप समझे होंगे और अपने डेली लाइफ में यूज करेंगे। ये वीडियो आप यहाँ तक देख रहे हैं और अभी भी अगर आपका कोई डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, हम आपका रिप्लाई देने का कोशिश जरूर करेंगे। और ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए। और जाते जाते चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर एंड बाय।